जी हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं, नुमान मंसूर साहब, और काफ़ी देर से यहाँ पे थे और ये चाह रहे थे कि कुछ अपने ख्यालात का इजहार करें, तो हम इनसे जानेंगे कि जी क्या बात करना चाह रहे थे आप जो है। काफ़ी देर से मैं आपको देख रहा हूँ कि आप विजिट भी कर रहे हैं। दिस इज नुमान मंसूर, मेरा बच्चा वन क्लास में पढ़ता है, मोहम्मद रेहान। मेरा बेटा वन क्लास में पढ़ता है रेहान, उसने स्कूल की तरफ से इंफॉर्मेशन मिली के भी रीयूज ऑफ मटेरियल की थीम से स्कूल के अंदर एग्जीबिशन है, तो उसके लिए उसने हमसे कहा कि आपको शेयर किया कि मैं मॉडल बनाना चाह रहा हूँ या मटेरियल को रीयूज करने के लिए एक्टिविटी करना चाह रहा हूँ। तो ये भी बड़ी यूनिक एक्टिविटी थी। अमूमन बच्चों में ये होता है कि उन्हें जो भी चीज़ दी है कुछ देर यूज़ करते हैं, खेलते हैं, खेलने के बाद उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, ऑलमोस्ट वेस्ट हो जाता है वो सारा मटीरियल। बच्चों के अंदर ये एक अप्रोच लेके आना कि जो चीज़ आपको दी गई है वो सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, उसको आप ना सिर्फ ये कि सेव कर सकते हैं बल्कि उनका रिसाइकल या रीयूज भी कर सकते हैं। और ये जो थीम बच्चों के अंदर अभी से मेंटेन करने की स्कूल की तरफ से एक्टिविटी की गई है वो हाईली इंपैक्टफुल। और दूसरा ये कि प्रोसेस मैंने यहाँ पर नोटिस की है कि बच्चों ने जो मॉडल्स बनाए हैं फिर उनकी डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रेजेंटेशन भी खुद कर रहा है, वो उससे भी ज़्यादा क्रिएटिविटी की एक अप्रोच है कि बच्चों के अंदर ना सिर्फ ये कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है बल्कि ऑडियंस का जो प्रेशर होता है सामने वाले को सवाल के बदले में करेक्ट आंसर करने की जो तरीका का बच्चा सीखता है वो एक बड़ी ही फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो दोनों चीज़ों के लिए मैं अप्रिशिएट करूँगा रॉयल एक्सेल के सारी कैंपस की टीम को, स्पेशली उनके टीचर्स को, जिस तरीके से ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया ये हाईली इंप्रेसिव है। इसमें सिर्फ मैं एक और चीज़ कहूँगा कि इस तरह की टीम जो है जो हमारे करंट सिनेरियोज चल रहे हैं लाइक बच्चों को रोड पर चलने के दौरान ट्रैफिक के बड़े इशूज़ आते हैं गली में जाते हुए, तो इसी तरह से मिलते जुलते जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं या दूसरे हैं उसके ऊपर भी कोई इस तरह की थीमेटिक अपना तो इवेंट ऑर्गेनाइज करें ताकि बच्चों में ये भी अवेयरनेस ज़्यादा मिले कि हाउ कैन हैव टू प्रोटेक्ट देयर सेल्फ ऑन रोड। तो इस तरह रीयूज ऑफ द मटेरियल के ऊपर आपने किया है, इसी तरीके से बच्चों को और भी इसमें इंगेज करें और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि मैंने अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छे स्कूल में इंतजाम किया।